गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मी शिवराव चैनल ऑफ लाइफ। सुरेश, बात करते हैं आज के ब्लॉग की। और आज हम जा रहे हैं बाहर, और मैं जब बाहर जाता हूँ तभी ब्लॉग बनते हैं, उसी में छोटे मोटे चेंजेस हम करके आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे रास्ते भर में। और आज मैं गाड़ी नहीं लेके जा रहा, क्योंकि पूरा हफ्ता गाड़ी चलाते हैं। आज मैंने कहा चलो पैदल ऑटो का सफ़र किया जाए। ये वाला कह रहे हैं ना, ड्रिंक ये वो मैं एक बंच दे रही हूँ सर आपको, खा रही हूँ। हाँ, मतलब थैंक यू अस बोथ ऑफ अस। ग्रीन लुक, पांच दो तो व्हाइट। हाँ, रेड वाला बोल, व्हाइट है ना। व्हाइट है और येलो। अच्छा, ये दोनों कह रहे हैं ना। और इसके साथ ये जो स्टोन, क्योंकि डार्क कलर है, अभी कौन है बेटा इधर। एक ऑर्किड का स्टिक निकालना। हम्म, ये कार्नेशन से वो इसी का कॉस्टिंग मैंने दूसरा दिया था उसका, लेकिन प्राइसिंग बढ़ जाता है। ये देखिए सर, सिटी ऑर्किड डाल सकते हैं मैडम, ये जो भाई करके हमारा सोफे का काम रईस भाई ने किया है, एकदम बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने, फर्स्ट क्लास। ये देखिए सोफा फिर आया बनने के लिए, बना के जैसे उधर छोड़ा हूँ। तो हम लोगों का गणपति जी का जो मंदिर बनेगा वो एकदम हमारा फाइनल हो गया, एकदम जबरदस्त। अब आप देखिए जब बनेगा तब आपको दिखेगा, बहुत बढ़िया हो गया। ये भी एक काम पेंडिंग था। अब रह गया अपने का खाने का क्या रखना है। गेस्ट वगैरह आएंगे तो उसके लिए, गेस्ट में मेनली बच्चों के दोस्त ही आते हैं, ठीक है। यहाँ पे तालाब है क्या? देखिए तालाब लग रहा है, बट कमल नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ पे। कमल ही है ना टिनी, लग तो रहे हैं तो देख, हो रहे ना कमल के पत्ते, बट कमल लगा नहीं है उसमें भी। आ गए हम वेस्ट साइड की साइड में, देखते हैं सेल लगी हुई है, सुना है बहुत ज़बरदस्त सेल लगी है, लेट्स सी। बारिश भी आ गई। चले गाइस, हम आ गए हैं वापस बरसात में भीग भाग के, और इसके अंदर क्या है ये आपको ज़रूर बताएंगे अलग से, क्योंकि आज इसमें मैं लेके आया बहुत ही स्पेशल चीज़ जिनमें हम उसको पहली बार खाएंगे। ये देखिए गाइस, ये है हमारा घेवर, ये हमको बहुत पसंद है। और कहाँ कहाँ से घेवर आता है, कहाँ कहाँ बनता है, देखिए आज हम लेके आए घेवर और आपको खोल के दिखाते हैं। गुलजार सिमसेम गाइस, ये है आपका मलाई घेवर, ये रक्षाबंधन के टाइम पे खूब बिकता है, तो ये हम लेके आए आज मलाई घेवर, खाएंगे बाद में, पहले खाना खा लेते हैं। देखिए टेस्ट कीजिए, लग रहा है ना अभी नहीं खाने के बाद हम देखेंगे क्या है ये, को बंद कर देते हैं गाइस। और साथ के साथ एक और चीज़ हम लेके आए, ये है देखिए, ये है आपका रागी लड्डू। ये वैसे हमारे रागी लड्डू तो हमारे उसका है, क्या बोलते हैं, क्या वो हमारे कबूतर चावल लेके जाते हैं, यहाँ पे हम डेली चावल डाल देते हैं तो चावल लेके जाते हैं। चलिए रुकावट के लिए खे दें, फिर वापस दिखाते हैं आपको। तो वैसे हमारे उत्तराखंड में भी होते हैं रागी के लड्डू, ये मैंने पहले भी दिखाए थे, बट ये यहाँ पे पहली बार मिले तो टीना को टेस्ट करने की इच्छा हुई तो लेके आ गई। आज देखिए कितने दिनों बाद सूर्य देवता के दर्शन हुए, बोलो गजब। आज निकली बहुत दिनों बाद धूप, अभी धूप कितने दिन ऐसे रहती, बट वहाँ सामने देखिए बादल, बादलों के पीछे बारिश पूरा पहाड़ों में, और यहाँ आ रही कड़कड़ाती धूप, बट ये धूप भी थोड़ी देर, ये बारिश आ जाएगी थोड़ी देर में। देखो गाइज, अभी आपको मैंने इतनी मस्त धूप दिखाई थी, और अब देखो बारिश आ गई है, ये देखिए वो बारिश आई है वहाँ से, और एकदम बारिश एकदम सीधी सीधी गिर रही है, ये देखिए क्या मस्त बारिश। यही है गाइज मुंबई का मौसम, देखिए कितना बड़ा बादल, अभी बादल चला जाएगा तो थोड़ी देर में फिर धूप आ जाएगी, इसी का मजा हम लेते रहते हैं। गाइस, ये है आज हमारा पोहा बना हुआ, और टिन्नी कह रही कि कढ़ाई जो है आप बदल नहीं रहे हो, बार बार ब्लॉग में कढ़ाई ले लेते हो, तो हमने कहा भाई जब तक इसका इस्तेमाल हो रहा है तो कर लेना चाहिए, क्या दिक्कत है, क्यों टिन्नी का मुंह देखो, देखो भाई साहब देखो
कोई बात नहीं गाइस, आज इस कढ़ाई में खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमारी चाय भी मस्त बन रही है। और जैसे मैंने कहा, फिर से धूप आ चुकी है और देखिए क्या ब्यूटीफुल फ्रेम, ऑसम पिक्चर लेने का मन कर रहा है। गाइस अभी इस व्लॉग को हम यहीं सीमित करते हैं, क्योंकि अभी हम जाने वाले हैं थोड़ा सा नियर बाय एक मार्केट को एक्सप्लोर करने। शायद हम निकलेंगे, और निकलेंगे तो आपको अगले व्लॉग में दिखाई देगा, क्योंकि ये लोकल मार्केट है जिसको हम एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। गणपति का ऑलमोस्ट हमारा आगमन की पूरी तैयारी हो चुकी है, बस एक दो चीज़ें छोटी मोटी रह गई हैं, तो वो हम करेंगे अभी थोड़ी देर में, थोड़े दिनों में, इनफैक्ट नॉट थोड़ी देर में, ऑलरेडी नाउ आई थिंक 22 दिन एक रह गए हैं गणपति जी को आने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट और वहीं करते हैं एक्सप्लोर। मेरे को लग रहा है शायद वो मार्केट में पहले गया हूँ, बट थोड़ा कन्फ्यूजन है, सो देखते हैं, लेट्स सी। सो बने रहिए मेरे साथ शिव रावत चैन ऑफ लाइफ के साथ।